बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। मैंने रसमलाई की रेसिपी बहुत पहले जो सी है ना वो लगाई थी, लेकिन मुझे फरमाइश आ रही थी जी कि हमारी रसमलाई ठीक नहीं बन रही, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको आज दोबारा रसमलाई बनाने की तरकीब जो सी है ना वो बताती हूँ कि सॉफ़्ट और अच्छी सी रसमलाई जो सी है वो कैसे बनाई जाती है। रसमलाई जो सी है ना थोड़ी ट्रिकी काम ज़रूर होता है, लेकिन थोड़ा सा आप आराम से करें तो बन जाती है। चलें जी हम रसमलाई शुरू करते हैं। एक कप ड्राई मिल्क जो सा है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें, और बेकिंग पाउडर के बाद जो इसमें चीज़ जाएगी वो है जी मैदा। एक टेबल स्पून भर के मैंने मैदा डाल दिया है। मक्खन है, मक्खन भी एक टेबल स्पून जितना जो सा था वो मैंने काटा है। अब ये जमा हुआ है तो इसलिए आपको लग रहा है ऐसे, लेकिन अगर सीधा होता ना मेल्ट हुआ होता तो एक टेबल स्पून मक्खन था। सूजी है मेरे पास, ये आधी चम्मच टेबल स्पून आधी सूजी जाएगी इसमें। एक अंडा डालूंगी और फिर इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छी तरह मिक्स करना है कि जो मक्खन है ना वो बिल्कुल साथ वो अंडा और मक्खन से डो बन जाएगी। इसकी हमने बनानी है जी ये गोलियां सिलेंडर की शक्ल की, एक साइज़ की हमने गोलियाँ बनानी हैं। ये तकरीबन 15 गोलियाँ बनेंगी। अच्छा, दूध जो सा है ना वो 1 लीटर करीब मैंने इलायचियाँ डाल के उबलने रख दिया है। जैसे दूध को उबाल आना शुरू होगा तो हम इसमें एक एक करके जो अपनी ये गोलियां थी बनाई हुई मिक्सचर की, ये हम डालना शुरू करेंगे। और इसको मेक श्योर करना है कि उबलते हुए दूध में डलें और एंड तक दूध उबलता ही रहे। ये होगा ये कि जैसे ये उबलते दूध में हम डालेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाएंगी, फूलती जाएंगी और ऊपर आ जाएंगी। तो ये देखें जी पक रही हैं और ये फूल फूल के ऊपर आ रही हैं। जब ये अच्छी तरह सारी फूल के डबल साइज़ की हो जाएंगी तो इसमें मैं हाफ कप जो है ना वो चीनी डालूंगी। उस वक्त पहले मैंने कोई चीनी नहीं डाली थी, हाफ़ कप चीनी डलेगी और इसको मैं थोड़ी दरमियानी सी आग पे पकाऊंगी ताकि जो चीनी जो है वो खुश्क हो जाए। ये थोड़े मेरे पास थोड़े पिस्ते हैं तो मैंने पिस्ते क्रश कर लिए हैं। ये देखें जी अब ये चीनी भी खुश्क हो गई है, चीनी अपना पानी जो था वो खुश्क हो गया। इसको डिश आउट कर लेते हैं और डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर पिस्तों की जो सी है वो गार्निशिंग कर देंगे। ज़बरदस्त सॉफ्ट रसमलाई रेडी हो जाएगी। देखें, चेक कराती हूँ मैं आपको इसका टेक्सचर कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी ये स्पॉन्जी बनी है। तो ये देखें कि मैं, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें ये कितनी सॉफ्ट है। ये देखें जूसी और सॉफ्ट सी बिल्कुल, इसको दबाऊंगी भी तो बिल्कुल इसमें ये देखें बिल्कुल जो सॉफ्ट सी रसमलाई बनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और आप भी ज़बरदस्त रसमलाई बनाएंगे।